हाय uh, गाइस uh, मेरा नाम नारायण है और आज इस uh, वीडियो में हम एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे uh, पिछले वीडियो में मैंने uh, um, बनाया था एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिक्स uh, uh, जो उसमें सर्विसेज हैं और इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या नहीं है एक एक करके तो हम इतने सारे कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे बेसिक चीज़ें एक एक करके एक्टिव डायरेक्टरी एज अ डेटा एक्टिव डायरेक्टरी डेटा स्टोर डोमेन कंट्रोलर और इसको देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा क्या है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट डोमेन फॉरिस्ट्री एप्लीकेशन साइट्स ग्लोबल कैटलॉग फंक्शनल लेवल डी एन एस एन एप्लीकेशन पार्टीशन और ट्रस्ट रिलेशनशिप तो ये सारा एक एक करके हम इसमें आ, सीखने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि एट द एंड ये आप लोगों को Uh, काफ़ी हेल्पफुल होगा सीखने के लिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट uh, मतलब क्या होता है उसको हम क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है या uh, क्या क्या हमको उसमें जुड़ा हुआ मिलेगा तो उसे कंपोनेंट कहते हैं तो हम वही सारी चीज़ें देखेंगे इसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी एज अ डेटाबेस ठीक है तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी को एज अ डेटा बेस अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है क्या क्या चीज़ें होती है तो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी इज़ अ डेटा बेस उसमें क्या होगा जो ईच रिकॉर्ड इज एन ऑब्जेक्ट तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो कि मेरा एक्टिव डायरेक्ट्री ओवरव्यू था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं यूज़र अकाउंट क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से थोड़ी सी ईच रिकॉर्ड इज एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो जो इसमें जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे इस डेटा में वो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड को ऑब्जेक्ट कह सकते कह सकते हैं जैसे यूजर्स हुआ ग्रुप्स हुए कंप्यूटर्स हुए एंड सो ऑन ठीक है तो ये हमारे डेटा के अंदर रहेगा अब ईच फील्ड इज एन एट्रीब्यूट अब इसमें क्या है फील्ड भी रहेंगे उसके अंदर तो उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं अभी एट्रीब्यूट्स और रिकॉर्ड्स दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे और फील्ड्स को एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स लाइक लॉग ऑन नेम एस आई डी एस आई डी क्या है पिछले वीडियो में बताया पासवर्ड डिस्क्रिप्शन मेम्बरशिप एंड सो ऑन तो कहने का मतलब क्या है एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ इसको मैं मिनिमाइज करूँ सपोज और यहाँ पे हम अगर जाते हैं यूजर्स सिंपल सा एक यूजर्स ले लेते ले हैं या मेरे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी है मैं उस एक्टिव डायरेक्टरी को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो पता चल जाएगा इसका पासवर्ड चेंज हो गया मुझे पता नहीं है तो इसको हम कुछ नहीं यहाँ पे देख लेते हैं ये यूज़र्स है अगर यह हम यहाँ पे यूज़र्स को लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी भी जाएंगे तो इसमें क्या है अगर एक्टिव डायरेक्टर रहा हमारे पास तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है अभी क्या उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास मेरा शायद पासवर्ड चेंज हो गया मुझे यहाँ पे पासवर्ड पता नहीं चल रहा इसलिए मैं एक्टिव डायरेक्टर को रिमोट पे नहीं ले पा रहा हूँ ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटीज़ आइडेंटिटीज़ क्या होती है प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ या जिनको हम अकाउंट्स भी बोलते हैं ठीक है ये मेरा पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी ओवरव्यू में ठीक है अब इसमें क्या है इसमें एक करवर सर्विसेज की बात करते हैं अगर हम तो करवरस रहेगा डी रहेगा और रेप्लीकेशन रहेगा तो करवरस क्या है डी क्या है रेप्लीकेशन क्या है आ, ये पिछले वीडियो में भी बताया है और एक्सेसिंग द डेटाबेस तो अब इस एक्टिव डायरेक्टरी एज अ डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो उसमें सर्विसेज तो ये हो गई और ये रिकॉर्ड्स क्या हैं फील्ड क्या हैं वैसे ही उसको एक्सेस करने के लिए एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है विंडोज़ टूल्स होते हैं यूज़र इंटरफेस होता है एंड कॉम्पोनेंट्स होते हैं और ये कुछ डॉट नेट और पावर सेल वगैरह वगैरह है तो ये सारी चीज़ों से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर हम एक्टिव डायरेक्टर को एज अ डेटा बेस कंसिडर करें तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में एक्टिव डायरेक्टरी इज अल्टीमेटली डेटा डेटाबेस ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन तो कहने का मतलब यही है जो हमारा एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी है वो एक अल्टीमेटली डेटाबेस है ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स एंड कॉन्फर्गेशन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है उसका ये एक एंटरप्राइज डेटा बेस है उसमें हमारी रिसोर्स भी रहेंगे और कॉन्फ़िगरेशन भी रहेंगे अ सूट ऑफ सर्विसेज सपोर्ट द डेटा बेस एंड यूज द इन्फॉर्मेशन इन इट टू प्रोवाइड इंटरप्राइज आइडेंटिटी इन एक्सेस मतलब वही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आइडेंटिटी क्या, क्या होता है ऑथोराइजेशन क्या होता है ऑथराइजेशन के बाद में आ, हमारा एक है ऑथेंटिकेशन तो वो सारी चीज़ें ये हमको एक्टिव डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड करता है ठीक है इन डेटा बेस टर्मोनोलॉजी इज रिकॉर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी डेटा बेस इज एन एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट ये ये भी चीज़ मैंने आ, पिछले वीडियो में आई मीन पिछले स्लाइड में बताया है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट के जैसे रहेंगे इसमें सच एज यूजर्स ग्रुप और कंप्यूटर्स ईच फील्ड इज एन एट्रीब्यूट अगेन वही चीज़ आ रही है कि जो जितने भी फील्ड रहेंगे वो एट्रीब्यूट्स रहेंगे एट्रीब्यूट्स क्या है पासवर्ड है एस आई डी है यूजर लॉग ऑन नेम एंड ऑल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट नेम पासवर्डी है वही एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स वही आ गया हमारा पासवर्ड एंड ऑल तो ये हमारा क्या है एज डेटाबेस हम एक्टिव डायरेक्टरी को कंसिडर कर रहे हैं और या तो हम जब एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टर डेटा बेस कंसिडर कर रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की बात करें हम तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स ऑलसो कॉल्ड अकाउंट्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डी डी एस ठीक है अब सिक्योरिटी प्रिंसिपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एम एस एस आई डी एस आई डी क्या होता है सिक्योरिटी आइडेंटिफायर तो ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया आप उस वीडियो वीडियो से देख सकते हैं अब यहाँ पे एक चीज़ क्या आ गई यहाँ पे क्लास अभी हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स देखे हैं और एक्टिव डायरेक्टरी रिकॉर्ड्स के जैसे और uh, क्या था ये हमारा फील्ड uh, क्या है सर्विसेज क्या है एंड ऑल अब यहाँ पे एक क्लास भी होती है देर इज़ अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल इन इसको हम आई एन ई टी और, और, और पर्सन ऐसे करके uh, देखेंगे तो uh, ये हमारे पास एक क्लास uh, है दिस ऑब्जेक्ट क्लास है बेसिकली और इसका काम क्या दिस ऑब्जेक्ट क्लास इज यूज इन वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन टू सपोर्ट इंटरऑपरेबिलिटी विथ विधफुल ऑफ थर्ड पार्टी डायरेक्टरी सर्विस बट हमारे पास अगर एक्टिव डायरेक्टरी को छोड़ के और कोई डायरेक्टरी सर्विस है तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमको ये क्लास ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं हेल्पफुल होता है अभी यही हमारे पास आई ई टी आई एन ई टी और पर्सन इज ऑल्सो अक्योरिटी प्रिंसिपल एंड इज़ सिमिलर टू यूज़र अकाउंट तो इसको हम एक यूजर अकाउंट के जैसे भी कंसिडर करते हैं नेक्स्ट क्या है एक्टिव डायरेक्टरी डेटा बेस इज सपोर्टेड एंड यूज इन यूज बाय नंबर ऑफ सर्विसज इंक्लूडिंग कर्वरेज यही चीज़ मैंने अभी बोली है कि uh, हम एक्टिव डायरेक्टरी को एक्टिव डायरेक्टरी डेटा बेस हमको सपोर्ट करती है बहुत सारी कर्वरेज में भी और डी uh, एन में भी जो कि हमको रिस्पॉन्सिबल होता है नेम रेजोल्यूशन के लिए और देखिए तो यहाँ पे बिच इज़ रिस्पॉन्सबल फॉर एप्लीकेटिंग द डेटा बेस बिटवीन डोमिन कंट्रोलर्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्टिव डायरेक्टरी एज़ अ डेटा बेस अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या होता है एक्टिव डायरेक्टरी डेटा स्टोर तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो जितना भी डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है क्या क्या है पार्टीशन वो सारी चीज़ें हम देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है एक पाथ होता है अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला पाथ यहाँ पे परसेंटेज के अंदर सिस्टम रूट और फिर परसेंटेज और एन टी डी एस स्लैस एन टी डी एस डॉट डी आई टी डी आई टी एस डेटाबेस का जो है फॉर्मेट है ठीक है तो ये इसका रूट है जहाँ पे ये स्टोर होगा अब यहाँ पे क्या है देखो तो आ, एक लॉजिकल पार्टीशन होता है इसमें उस लॉजिकल पार्टीशन में क्या होता है Uh, इतने सारे पार्ट्स होते हैं एक एक होता है डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट होता है स्कीमा होता है कॉन्फर्गेशन होता है सबका अलग अलग रोल है फिर एक ग्लोबल uh, कैटलॉग है डी एन एस एप्लीकेशन पार्ट एप्लीकेशन पार्टीशन है फिर सिसवॉल है तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे कि ये डेटा स्टोर में क्या होता है ठीक है ये एक सिसवॉल होता है तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ये हुआ एक ये हुआ, एक ये हुआ तीन चीज़ें सिजवॉल ठीक है सिजवॉल के अंदर फिर से वही रहेगा परसेंटेज के अंदर सिस्टम रूट परसेंटेज एंड सिजवाल तो इस सिजवॉल में क्या है ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी क्लिक करके वो चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ए डी डी एस स्टोर आइडेंटिटीज़ इन द डायरेक्ट्री डेटा स्टोर ऑन डोमेन कंट्रोलर्स तो वही चीज़ है कि जो हमारा आइडेंटिटीज़ होती हैं वो एक डायरेक्टरी में रहती है और जो कि हमारा डोमेन डोमेन कंट्रोलर्स को होल्ड करता है द डायरेक्टरी इज अ सिंगल फाइल named एन टी डी एस डॉट डी आई टी ठीक है अब ये जो डायरेक्टरी रहेगी उसका जो रहेगा नाम रहेगा एन टी डी एस डॉट डी आई टी एंड इट इज़ लोकेटेड बाई डिफॉल्ट इन द ये इसका रूट है बाई डिफॉल्ट रूट जो कि मैंने यहाँ पे पिछली स्लाइड में भी बताया है ये वाले रूट पे ये स्टोर रहेगी ठीक है द डेटा बेस इज डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट इस बी डिटेल्ड हम यहाँ पे देखेंगे वही मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि जो डेटाबेस है वो बहुत सारे पार्टीशन में डिवाइडेड है तो एक एक करके हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम स्कीमा फिर कॉन्फ्रिकेशन फिर डोमेन डी एन एस पैस तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले स्कीमा तो स्कीमा का रोल क्या है यहाँ पे स्कीमा एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्टोर्ड इन द डायरेक्टरी तो जो मेन काम है हमारा यहाँ पे स्कीमे का वो ये है ये आ, डिफाइन करता है एट्रीब्यूट्स एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि हमारे डायरेक्टरी में स्टोर हो सके तो ये मेन काम हम होता है हमारा स्कीमा का ये हमें पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दूसरा देखेंगे हम दूसरा यहाँ पे आ, दूसरा है डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स जिसे हम डोमेन एन कहते हैं एन इम्पोर्टेंट पार्टीशन ऑफ पार्टीशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डे टू डेडमिन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम जो हर दिन का काम करते हैं बेसिक जो एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है तो वो उस इस, इस आ, काम के लिए हमको हेल्पफुल होता है बिकॉज इट कंटेन्स द डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट विद इन द डोमेन द यूजर ग्रुप तो इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है यूजर की ग्रुप की एंड कंप्यूटर्स की वैन यू मेक चेंज टू एक्टिव डायरेक्टिव बाई यूजिंग द एक्टिव डायरेक्ट यूजर्स एंड कंप्यूटर्स स्नैप इन यू आर मॉडिफाइंग द कॉन्टेक्ट्स ऑफ कॉन्टेंट्स ऑफ ऑफ द डोमेन एन सी तो जो मेन काम है हमारे पास अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी में आ, कुछ चेंजेस कर रहे हैं आ, या डे टू डे या यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का स्नैप इन लेके तो वो सारा काम हमारा डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट में होता है थर्ड हमारे पास है इट कॉन्फ़िगरेशन तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन सर्विसेज एंड टोपोलॉजीज तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर हम देखें पिछली स्लाइड में स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन या फिर मैंने यहाँ पे बताया है वही सारी चीज़ें तो इन सब का काम अलग अलग है यहाँ पे ये, ये वाले की बात कर रहे हैं हम अभी लॉजिकल पार्टीशन की ठीक है तो कॉन्फ़िगरेशन इसमें डोमेन सर्विसेज रहती हैं और टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन रहती है वैसे डी इफ़ यू यूज एक्टिव डायरेक्टली इंटीग्रेटेड डी एन एस द डी एस जोन एंड रिसोर्स रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन पार्टीशन इन अ पार्टीशन अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो, जो जोन्स रहेंगे या रिसोर्सेस रहेंगे या रिकॉर्ड्स रहेंगे वो सारा इस पार्टीशन में स्टोर रहता है वैसे ही एक होता है पैश पैश को हम बोलते हैं पार्शियल एट्रीब्यूट सेट तो अभी इसको एक एक करके देखेंगे हम द तो पार्शियल एट्रीब्यूट सेट पैस इज दब सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन द एक्टिव डायरेक्टर्स दैट आर टू कंट्रोलर मतलब यहाँ पे क्या है एक सबसेट है सबसेट्स है ऑफ एट्रीब्यूट्स इन एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा दैट आर रेप्लिकेटेड टू डोमेन कंट्रोलर मतलब ये बहुत सारे सारेट है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का आ, जो कि हमें एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टर स्कीमा में रहेगा और जो रेप्लीकेट होता रहता है टू द डोमेन कंट्रोलर जिसे हम और रेप्लीकेटेड टू ग्लोबल कैटलॉग ठीक है ये ग्लोबल कैटलॉग का कैटेलॉग क्या होता है अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा अब इसमें क्या है नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में ईच डोमेन कंट्रोलर डी सी हेज अ कंप्लीट राइटेबल रेप्लिका ऑफ द डोमेन द डीसी मतलब हर एक डोमेन कंट्रोलर में अपना एक राइटेबल रेप्लिका होता है कंप्लीट राइटेबल जिस हम रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं मतलब हमको फुल परमिशन होती है और वो किस में रहेगा वो जिस कंप्यूटर में रहेगा या जिस सिस्टम में रहेगा जिसमें कि डी सी रहेगा हमारा डोमेन कंट्रोलर नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में क्या है इट इज़ अ इफ

बाई डिफॉल्ट दिस फोल्डर इज लोकेटेड एंड दिस इज द लोकेशन फॉर दिस ठीक है तो यहाँ पे ये फोल्डर रहेगा इसके अंदर रहेगा हमारा इंफॉर्मेशन रहती है सज कंटेंट्स आइटम सच एज लॉग ऑन स्क्रिप्ट एंड फाइल रिलेटेड टू जी पी ओ जी पी ओ मतलब ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एंड ऑल तो ये बेसिक चीज़ें हैं uh, इसमें हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेन कंट्रोलर्स तो डोमेन डोमेन कंट्रोलर्स क्या होता है डोमेन कंट्रोलर और डोमेन कंट्रोलर्स दोनों एक ही चीज़ है ऐसा लगा दो तो ये दो दो एक से ज़्यादा हो गया डोमेन कंट्रोलर मतलब एक डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ इसके बारे में है सर्वर्स डेट परफॉर्म द ए डी डी एस रोल दूसरा उसमें क्या होना चाहिए एन टी डी एस डॉट डी आई टी एंड ये डेटा बेस होना चाहिए रेप्लिकेटेड बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स अगर एक डोमेन कंट्रोलर ये है हमारा ए डी दूसरा ये है तीसरा ये है एग्जाम्पल के लिए तो इनके बीच में रेप्लिकेशन होना चाहिए ये इतना सारा मिलकर डोमेन कंट्रोलर्स हो रहा है ठीक है ये सिंगल डोमेन कंट्रोलर है ठीक है सर्विसेज होनी चाहिए कर्बरस सर्विस ऑथेंटिकेशन के लिए अदर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज तो ये एक इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैपेबिलिटीज होना चाहिए एक डोमेन कंट्रोलर में बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो अबेबिलिटी एटलीस्ट टू डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए सिक्योरिटी भी होनी चाहिए तो इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए जब जाके हम इसको डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं ठीक है ठीके? और ये किसी सिस्टम में कॉन्फिगर होना चाहिए इंस्टॉल होना चाहिए तब उस सिस्टम को हम डोमेन कंट्रोलर बोलेंगे अभी हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में देखेंगे डोमेन कंट्रोलर्स ऑल्सो रिफर्ड एज डी सी आर सर्वर दैट परफॉर्म द रोल ऑफ ए डी डी एस डोमेन सर्विसेज ठीक है एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज बोलते हैं ए डी डी एस को

हमारे पास में क्या है बिज़नेस अगर रन हो रहा है तो आ, हमारा बिज़नेस डाउन ना हो इस वजह से हमको दो डोमेन कंट्रोलर रखने चाहिए एक डाउन हो गया तो दूसरे से बिज़नेस रन हो जाए दूसरे से ऑथेंटिकेशन मिल जाए तो उस लिए हमको आ, दो डोमेन कंट्रोलर रखना चाहिए अभी देखेंगे यहाँ पे इन एडिशन टू एबेबिलिटी यू मस्ट इन्श्योर दैट द डोमेन कंट्रोलर आर सिक्योर तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी भी होनी चाहिए तो सिक्योरिटी के लिहाजे जैसे हमारे पास क्या है दो ऑप्शन है एक होता है कोर सर्वर दूसरा होता है आर ओ डी सी आर ओ डिस है हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं अब इन दोनों को हम देखेंगे डिटेल में कोर सर्वर क्या होता है और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है यू कैन इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2008 थाउजेंड एट आर टू आई यूजिंग द सर्वर कोर इंस्टॉलेशन ऑप्शन तो कोर क्या होता है कोर सर्वर बेसिकली क्या होता है कमांड बेस्ड कॉन्फ्रगेशन है उसमें जी यू आई मोड नहीं होता है ठीक है तो जितने भी चीज़ें हमको करना है काम कमांड बेस्ड होता है बट 2016 जो सर्वर है अभी हम कोर सर्वर को जी मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जी मोड मोड कोर कोर सर्वर में ठीक है वही चीज यहाँ पे लिखा है कि दूसरा इसके बारे में दिस इंस्टॉलेशन इज मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ uh, Windows Server 2008 R2 that features a command prompt user interface rather than Windows Explorer. तो so, हमको जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हमको uh, command prompt से करना पड़ता है। वैसे ही दूसरा होता है, ये secure है। Command पता होना चाहिए user uh, GUI mode नहीं है तो obviously जैसे Linux का है उस तरीके से। <coughs> दूसरा देखेंगे read only domain controllers क्या होता है? Read only domain uh, domain controller क्या होता है? ROD से जब बोलते हैं, ROD से facilitate

तो क्या होगा मैं एक यूज़र को यहाँ पे एक राइट्स दे दूंगा कि आप डोमेन पे कंप्यूटर्स को ऐड कर कर सकते हैं और ये लॉग इन कर सकते हैं तो जितने यूजर्स ये यहाँ पे रहेंगे उन यूज़र्स का क्रिडेंसल यहाँ पे ये कैच करके रखेगा ठीक है तो उस वक्त क्या होगा यहाँ पे जितने यूज़र्स हैं वो लॉग लॉगऑन कर पाएंगे इनको डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्टिव पे आने की जरूरत नहीं रहेगी तो इस वक्त इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं आर ओ डी सी को कॉन्फिगर कर सकते हैं दूसरा क्या है एडिशनली द आर ओ डी सी डज नॉट अलाउ बी मेड टू एक्टिव डायरेक्टरी तो रीड ओनली रीडोम कंट्रोलर पर अगर कोई चेंज करते हैं तो वो यहाँ पर एप्लीकेट नहीं होगा अगर हमको कोई यूजर क्रिएट करना है तो एक्टिव डायरेक्टरी पे क्रिएट करना पड़ेगा हम आर ओ डी सी पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो ये एक और वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ जाती है दूसरा क्या है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द ए डी डी ए डी डी एस डोमेन टू एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल डैमेज एट द वही कहने का मतलब है अगर ये उसको कुछ हो भी जाता है तो हमारा मेन एक्टिव डायरेक्टरी पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा तो इस कंडीशन में अगर हमको चाहिए तो हम आर ओ डी डिप्लॉय कर सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा के बाद में बारे में तो हाउ द स्कीक्ट एज ब्लू प्रिंट फॉर एक्टिव डायरेक्टरी बाय एक्सप्लोरिंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस तो हम इन सारी चीजों के बारे में क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट एस आई डी सैम अकाउंट नेम यूनिकोड पी डब्ल्यू डी मेम्बर डिस्क्रिप्शन ये क्या होता है यूजर क्लास और ये सारी चीजें देखेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा के बारे में ठीक है तो सबसे पहले अगर हम देखें द स्कीम हैज ऑफन कंपेयर्ड विद द ब्लू प्रिंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ठीक है तो जो एक्टिव डायरेक्टरी को हम की बात करें और स्कीमा की बात करें तो हम इसको एक्टिव डायरेक्टरी का ब्लू प्रिंट कह सकते हैं इट डिफाइंस द एट्रीब्यूट एंड टाइप्स मैंने पहले भी बोला है कि यह टाइप्स को डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट का दैट कैन बी स्टोर्ड इन डायरेक्टरी फॉर एग्जाम्पल द स्कीमा डिटरमाइंस द फैक्ट दैट डायरेक्टरी कैन हैव यूजर ऑब्जेक्ट एंड दैट यूजर ऑब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू हैव लॉग ऑन नेम एंड ऑप्शनली एंड ईमेल एड्रेस ठीक है तो ये अभी हमारा स्कीमा डिफाइन कर रहा है कि अगर एक्टिव डायरेक्टरी पे या जो डायरेक्टरी उस पर कोई यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक लॉग ऑन नेम होना चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए या उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए तो ये डिफाइन कर रहा है हमारा स्कीमा इफ यू नीड टू क्रिएट सम एडिशनल एटीब्यूट और प्रॉपर्टीज ऑफ द यूजर ऑब्जेक्ट यू मस्ट एक्सटेंड द स्कीमा हाउ एवर यू शुड नॉट एक्सटेंड द स्कीमा विदाउट अ गुड रीजन बिकॉज दिस ऑपरेशन इज नॉट वर्थ वाइल Reversible. तो कहने का मतलब है कि अगर हमको कुछ और एडिशनल उसमें बट जब तक हमको एक वैलडिटेड रीजन ना हो हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते ऑल्सो डो नॉट एडिट द स्कीमा मैनुअली, बट एडिट इट ऑनली थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसीजर इनिशिएटेड बाय एप्लीकेशन दट नीडा एक्सटेंशन सच एज एक्सर्व एक्सटेंसर्वर तो ये है बेसिकली हम कोई स्कीमा के साथ कोई चर्चा नहीं करना चाहिए अब दूसरा यहाँ पे द स्कीमा हैज टू प्राइमरी कंटेनर्स द एट्रीब्यूट्स कंटेनर होल्ड होल्ड्स डिफिनेशंस ऑफ एवरी एट्रीब्यूट सपोर्टेड बाय एक्टिव डायरेक्टरी ठीक है ये पहली चीज है तो जो पहला हमारा एट्रीब्यूट कंटेनर रहेगा वो क्या करेगा वो होल्ड्स uh, डिफिनेशंस वो डिफिनेशंस को होल्ड करता है फॉर ऑफ़ एवरी एट्रीब्यूट सपोर्टेड बाय एक्टिव डायरेक्टरी दूसरा है यू कैन ओपन द एट्रीब्यूट्स फॉर प्रॉपर्टीज विद विच विद विच यू आर ऑलरेडी फेमिलियर तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती है बेसिकली ठीक है तो बस इतना पता होना चाहिए कि दो प्राइमरी इसके कंटेनर्स होता है पहला एट्रीब्यूट कंटेनर अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ क्या है नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट एस को हम सिक्योरिटी आइडेंटिफायर भी बोलते हैं या एस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्कीमा की एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे सैम अकाउंट नेम द प्री विंडोज सर्वर टू थाउजेंड विंडोज टू थाउजेंड सर्वर लॉग ऑन नेम विच मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रिफर्स टू एज द यूज़र नेम तो जो हमारा सैम अकाउंट्स रहेगा उसमें क्या है ये जो पहले के सर्वर थे आई मीन विंडोज टू थाउजेंड के पहले के तो उसमें जो लॉग ऑन नेम था उसको हम यूजर नेम बोलते हैं और यही यहाँ पे अभी हमारे पास स्कीम हमें भी रहता है यूनिकोड कोड डब्ल्यू पी डी पी डब्ल्यू डी ये क्या होता है दिस एट्रीब्यूट इस पासवर्ड एस एस एज अ हैश कोड दैट रिजल्ट फ्रॉम वन वे फंक्शन यू कैन नॉट रीड और डिराइव द एक्चुअल पासवर्ड फ्राम दिस एट्रब्यूट विदाउट परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ ब्रूड फोर्स डिक्शनरी अटैक हैकिंग तो जो यूनिकोड रहेगा ये पासवर्ड को सिक्योर करके रखता है कंटेन करके रख सकता है ठीक है अगर उसको हमको क्रैक करना है तो हैक करना पड़ेगा ये जो हमारा सेम अकाउंट है वहाँ पर यूज़र नेम करेगा या लॉगोन नेम रहेगा ये एस आई डी को कंटेन करे कर कंटेंट uh, करेगा हमारा ऑब्जेक्ट एस आई डी ठीक है डिफाइन करेगा कि कौन से एट्रीब्यूट्स और किस टाइप के ऑब्जेक्ट हम वहाँ पे स्टोर हमारे डायरेक्ट स्टोर करेगी मेम्बर अभी मेंबर क्या है द एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर द मेम्बर सिफ लिस्ट फॉर दिस ग्रुप ऑब्जेक्ट तो ये मेंबर किस ग्रुप का मेंबर है उसको उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है द क्लासेस कंटेनर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इन क्रिएटेड oh, ओके okay, ये इतना पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है ठीक है तो इसको हम ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन द डायरेक्ट्री अभी पहला था हमारे पास यहाँ पे कहा गया कहा गया ये एट्रीब्यूट कंटेनर का, का काम था यह होल्ड करता था डिफिनेशन ऑफ एवरी एट्रीब्यूट सपोर्टेड बाई एक्टिव डायरेक्ट्री अब दूसरा हमारे पास है क्लास कंटेनर या क्लासेस कंटेनर तो ये डिफाइन करता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन द डायरेक्ट्री इंक्लूडिंग यूजर और ग्रुप Class are with in the तो ये चीजें हैं हमें पता होना चाहिए अब हम next देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का इस तरीके से रहता है सपोज हमारे पास ये एक डोमेन है ये डोमेन का नाम यहाँ पे दिख रहा है, एक, एक है उसके अंदर एक ओ यू बना है एडमिन्स क्लाइंट कंप्यूटर उसके अंदर ये सब ओ यू बनाया है तो इनको ओ ऐसे ओ यू ऑर्गेनाइजेशनल ओ यू भी बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ठीक है तो हम अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो भी यूजर्स हो गया हमारा कंप्यूटर्स हो गया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बात करें तो कंटेनर्स बेसिकली वो कंटेनर्स होते हैं कंटेनर्स दैट कैन बी यूज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट विद इन अ डोमेन ठीक है ये बेसिक चीज़ है अभी डिटेल में देखेंगे क्रिएट यू ओस टू हम इनको क्रिएट कर सकते हैं क्यों क्यों हमको क्रिएट करना चाहिए उनसे हमको फायदा क्या है ठीक है तो ये एक एक करके हम अभी डिटेल में इधर देखेंगे अब हम ओ को ही डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एक्टिव डायरेक्टरी इज है हिरारिकल डेटाबेस सा है ये हिरारिकल डेटाबेस इसको भी हम बोल सकते हैं हमने इतनी इतनी सारी चीज़ें पीछे देखी ये सब हिरारिकल है एक दूसरे एक दूसरे से रिलेटेड है तो उसको हम हिरारिकल बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है ठीक है वो किस किस टीम में है क्या नाम है कहाँ रहता है क्या क्या बलाबला बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो उसका उसका क्या हो गया हेरारिकल हो गया यूजर एक लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑब्जेक्ट्स इन द डेटा स्टोर कैन बी ग्रुप्ड इन कंटेनर्स वही कहने का मतलब है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं कंटेनर में वन टाइप ऑफ कंटेनर इज द ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्लास कंटेनर अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा है एक क्लास कंटेनर हो गया और एक दूसरा क्या था अगर हम देखें हम फिर से जाते हैं एक क्लासेस कंटेनर हुआ और एक हमारे पास एट्रीब्यूट कंटेनर्स ठीक है तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी क्लास कंटेनर की द अदर टाइप ऑफ कंटेनर इंक्लूड्स फॉरेस्ट डोमेन साइट्स एंड ऑन तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास कंटेनर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर

इसको छोड़िए देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है तो ये हो गया हमारे पास में एक कौन सा हुआ यहाँ पे हमने देखा है ये डिफॉल्ट हो गए ये जो डिफॉल्ट में बने हुए आते हैं उसके अलावा हम क्या है खुद से क्रिएट कर सकते हैं अनदर टाइप ऑफ कंटेनर इज द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ठीक है मेरे वीडियो से आप देख सकते हैं मैंने पिछले कई सारे वीडियो बनाए हैं उनमें कैसे क्रिएट करते हैं क्या है क्या, है, क्या नहीं वहाँ से सीख सकते हैं अभी हम सिंपल सी बात करें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है तो इसको देखिए एन ओ यू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इज एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ऑब्जेक्ट दैट इज कंटेंट इन डोमेन यू कैन यूज़ वो यू टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क अब हम इनको क्यों बनाएं क्यों हमको जरूरत पड़ती है क्यों हम इसको आ, कैसे यूज़ कर, तो तो कर सकते हैं तो पहला है ऑर्गनाइज ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट इन डोमेन हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं कंप्यूटर्स हैं तो हम उनको ऑर्गेइज़ कर सकते हैं सपोज़ ये मेरा मेन वो हो गया ठीक है अब इसके अंदर मैं एक और बना लेता हूँ तो एच आर करके मैंने बना लिया फिर इसके अंदर मैंने आई बना लिया अब मैं इनके अंदर प्रॉपर तरीके से एच के आदमी को इधर डाल सकता हूँ एच आई टी के आदमी को इधर डाल सकता हूँ ठीक है वो चीज़ यहाँ पर भी लिखा होगा और यूज कंटेंट डोमेन ऑब्जेक्ट्स सच एज़ यूजर इन कंप्यूटर्स अकाउंट एंड ग्रुप फाइल एंड प्रिंटर्स दैट द पब्लिस तो वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है ठीक है उन सबको हम सेपरेटली वहाँ पे रख सकते हैं दूसरा डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स यू कैन असाइन इधर कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सच एज़ द फुल कंट्रोल परमिशन ओवर ऑल ऑब्जेक्ट इन एन दू एन और लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लो हम कंट्रोल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो हमारे पास सपोज दो ग्रुप है यहाँ पे चार या फिर आई टी का तो इसको हमको अगर लिमिटेड देना है इसको फुल देना है वो हम यहाँ से डेलीगेट कर सकते हैं आप मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हैं कैसे डेलीगेट हम करते हैं अब बात करेंगे हम यहाँ पर डोमेन की डोमेन क्या है तो देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं रिक्वायर वन और मोर डोमेन कंट्रोलर्स ठीक है, है? ये इतने को अगर मैं बोलूँ तो ये एक डोमेन एग्जांपल के लिए ये डोमेन ढेर सारे को डोमेन कंट्रोलर्स की बात करें तो ये ग्रुप ऑल डोमेन कंट्रोलर रेप्लीकेट द डोमेन जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी है वो डोमेन एनसी डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट डील करता है वो रेप्लिकेट होना चाहिए सबके बीच में द डोमेन इज द कॉन्टेक्स विद इन विच यूजर्स ग्रुप कंप्यूटर्स एंड सो ऑन क्रिएटेड रेप्लीकेशन होना चाहिए ठीक है और ट्रस्टेड आइडेंटिटी सोर्स एनी डोमेन कंट्रोलर कैन ऑथेंटिकेट एनी लॉग ऑन इन द डोमेन इसको हम देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें स्कोप होनी चाहिए कि पासवर्ड होना चाहिए पासवर्ड लॉकआउट होना चाहिए डोमेन के तो इसको डिटेल में इधर देखते हैं आ डोमेन इज डिफाइंड एज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑब्जेक्ट तो इसको हम लॉजिकल ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑब्जेक्ट तो ये जितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पर ये लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं सिक्योरिटी पॉलिसी ग्रुप यूजर प्रिंटर फाइल नेम कंप्यूटर एप्लीकेशन तो इन सबको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स तो ये क्या है लॉजिकल ग्रुप है अब ये सब क्या है ओ यू के अंदर है हमने बनाया है सपोज एग्जांपल के लिए और ये हमारा टू थाउजेंड एट डोमेन कंट्रोलर है दैट शेयर द सेम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इसका एक ही डेटाबेस है जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है हमारे पास ठीक है ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ वन और वन और यहाँ पे मोर होना चाहिए वन और मोर डोमेन डोमेन्स और डोमेन ट्री इन डोमेन्टिग्यूस तो ये ट्री देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में ट्री क्या होता है तो इतना आई होप कि डोमेन क्या है वो पता हो जाना चाहिए ठीक है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये लॉजिकल ग्रुप है नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स का ठीक है तो ये फॉरेस्ट ट्री हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो आई होप कि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए हमको ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं फॉरेस्ट क्या होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट क्या होता है जैसे हमारे घर के इधर फॉरेस्ट होते हैं वैसे ही ये भी है लेकिन यहाँ पे क्या है कलेक्शन ऑफ वन और मोर एक्टिव डायरेक्टेड डोमिन ट्रीज क्या होता है ट्री एक होती है दस पचास सौ ट्री हो गई तो वो फॉरेस्ट हो जाता है तो वैसे ही यहाँ पे भी है तो यहाँ पे क्या है ये भी कलेक्शन ऑफ मोर देन वन ट्री या टू मोर देन वन ट्री ऑब्वियसली जब भी जाके उसको फॉरेस्ट बोलेंगे तो यहाँ पे क्या है बहुत सारी ट्री होनी चाहिए ट्री क्या है नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा फर्स्ट टू मेन इज द फॉरेस्ट रूट अभी यहाँ पे सपोज़ ये मेरा एक एक ट्री हो गया ये एक ट्री एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ एक ट्री तो तीन ट्री मिल एक फॉरेस्ट बना दिया बट यहाँ पे एक एक मेन होगा सपोज़ ये वाले को एग्जाम्पल के लिए मेन ले ले रहा हूँ तो ये मेरा क्या होगा रूट फॉरेस्ट डोमेन होगा ठीक है मैं एग्जाम्पल के लिए ये वाला ले रहा हूँ ये मेरा मेन ले लिया बाकी ये दूसरे दूसरे अलग अलग हैं तो ये सब मिलके क्या बना रहा है एक एक फॉरेस्ट बना रहा है बट ये वाला मेरा एक मेन रहेगा तो इसको हम रूट डोमेन बोलेंगे सिंगल कॉन्फ़िगरेशन एंड स्कीमा रेप्लिकेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा इधर चाहे इधर हो सारा का सारा रेप्लिकेट होगा सिक्योरिटी एंड रेप्लिकेशन बाउंड्री सिक्योरिटी होनी चाहिए सिक्योरिटी रहेगी भी ठीक है अभी वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे अ फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर एक्टिव डोमेन्स। द फॉरेस्ट द फर्स्ट डोमेन इंस्टॉल्ड इन फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड रूट सा है हमारा पहले एक एक्टिव डायरेक्टरी बनेगी फिर उसके बाद में एक और बनेगी तो जो सबसे पहले रहेगी वो हमारी रूट रहेगी अब फॉरेस्ट कंटेनर सिंगल डेफिनेशन Of network configuration and single instance of active तो यहां पे ये दो चीजें क्या रहेंगी डेडिकेटेड रहेंगी ठीक है अब दूसरे आ, हम तरीके से इसको देखें इन अदर वर्ड्स डोमेन कंट्रोलर इन कॉन्फ़िगरेशन एंड स्कीमा पार्टीशन एंड दिज टू पार्टीशन आर द सेम फॉर ईच डोमेन इन द फॉरेस्ट तो जो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा रहेगा, ठीक है वो रेप्लीकेट होते रहेगा तो हमारे पास जो पूरा फॉरेस्ट है वहाँ पे एक ही और एक ही कॉन्फ्रगेशन रहेगा अलग अलग एक्टिव डायरेक्टरी का अलग अलग स्कीम और कॉन्फिगेशन नहीं हो सकता अभी दूसरा चीज फॉरेस्ट रूट डोमेन ऑल्सो कंटेन फॉरेस्ट वाइड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट सच एज एंटरप्राइज एंड स्कीमा तो यहाँ पे अभी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवलेजेस भी अलग अलग होते अलग अलग होते हैं वहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है इंटरप्राइज एडमिन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रवेज इन एवरी डोमेन अभी इंटरप्राइज एडमिन ऑबियसली नाम से ही पता चल रहा है उसके उसके पास सारे राइट्स रहेंगे इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑल्सो एडेड फॉरेस्ट स्ट्रक्चर सच एडिंग और रिमूविंग डोमेन तो ये एडमिनिस्ट्रेटर इंटरप्राइज एडमिन के राइट्स रहेंगे ठीक है अगर वो कुछ ऐड करना है स्कीमा में कर सकता है एक्सटेंड करना है कर सकता है रिमूव करना है रिमूव कर सकता है कोई डोमेन को अब फॉरेस्ट इज अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी नो डेटा इज रेप्लीकेटेड बाई एक्टिव डायरेक्टरी आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द फॉरेस्ट तो जितने हमारे पास यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टेड रहेंगी उतनी पे ही डेटा रेप्लीकेट होगा इसके बाहर कोई डेटा रेप्लीकेट नहीं होगा दर फॉर द फॉरेस्ट डिफाइंस बोथ रेप्लिकेशन एंड सिक्योरिटी तो इससे हमको क्या सिक्योरिटी भी मिल जाती है और एप्लीकेशन भी मिल जाता है नेक्स्ट चीज़ है वही ट्री ट्री क्या होता है सिंपल सा हमें पता है एक एक पेड़ होता है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं उसको ट्री बोलते रहते हैं उसी तरीके से यहाँ पे एक एक्टिव डायरेक्टरी रहेगी लेकिन उससे जुड़ी एक और उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा एक और तो वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे वन और मोर डोमेन्स इन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस दैट शेयर कंटिगअस डी नेम स्पेस तो ये कंटिगअस डी नेम स्पेस क्या होता है कंटिन्यू होना चाहिए अभी मैं इसमें बताता हूँ इसी एग्ज़ाम्पल में एग्ज़ाम्पल कहने का मतलब यहाँ पे देखें ये वाला इससे कनेक्टेड है ठीक है और ये इससे कनेक्टेड है तो अभी यहाँ पे देखिए ये ए डॉट नेट करके एक मेरा सपोज ए डी है या कुछ मैंने लिया है ये सी डॉट कॉम करके एक अलग है और ये एक बी ए डॉट कॉम करके एक अलग है ठीक है तो यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही हैं बट यहाँ पे दो चीज़ें हैं ये डॉट नेट का uh, बना हुआ है ये डॉट नेट का ठीक है तो ये आप एक कंसिडर कर सकते हैं एक है यहाँ पर ये डॉट कॉम है इसको दो बट यहाँ पर एक और से एक और चीज़ देखने को मिलेगी ये ए डॉट कॉम डॉट नेट है ए डॉट नेट है और ये बी डॉट ए डॉट नेट है कहने का मतलब है ये हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है ठीक है ये सेपरेट है और ये सेपरेट है तो ये ए डॉट नेट है और ये बी डॉट नेट है तो बी इसका नाम है बट इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है ये कंटिन्यू है ठीक है और ये डॉट कॉम है तो ये सेपरेट हुआ हमारा सी डॉट कॉम और ए डॉट नेट और बी डॉट नेट एक सेपरेट है तो इसको हम कंटीग्यूस बोलेंगे तो ये हमारा एक ट्री हुआ बट इसके साथ ही ये एक और से जुड़वा हुआ तो इसको भी हम ट्री कंसिडर करेंगे इसको डिटेल में देखेंगे इसको हम सब डोमेन बोल सकते हैं ये वाला सब डोमेन है इफ अ डोमेन इज सब डोमेन ऑफ अनदर डोमेन द टू डोमेन्स आर कंसिडर्ड अ ट्री वही चीज यहाँ पे सपोज ये ए डॉट नेट है उसी के साथ में ये बी डॉट ए डॉट नेट जुड़ी हुई है तो इसको हम सब डोमेन बोलेंगे कलेक्शन ऑफ मोर देन टू डोमेन्स तो वही ट्री हो गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ द ए डॉट नेट फॉ फॉर कंटेन टू डोमेन्स ए डॉट नेट एन बी डॉट ए डॉट नेट तो कहने का मतलब यही है हमारे पास ए वाला एक पार्ट डोमेन्स कंस्टीट्यूट ऑफ कंटिगस पोर्शन ऑफ डीएनएस नेम स्पेस तो ये कंटिन्यू है ठीक है ये कंटिगस डीएनएस नेम एस्पेस बिकॉज ये डॉट नेट को कंटिन्यू कर रहे हैं सो दे आर सिंगल ट्री तो वो अभी क्या है सिंगल ट्री हुई ट्री हुई इफ ऑन द अदर हैंड द टू डोमेन्स आर ए डॉट नेट एन सी डॉट नेट

चोजन फॉर डोमेन इन द फॉरेस्ट तो ये बेसिक चीज है यहाँ पे आ, हमको पता होना चाहिए ट्री क्या होता है डोमेन क्या होता है फॉरेस्ट क्या होता है कैसे इनमें कनेक्शन होता है रेप्लीकेशन की बात करेंगे हम तो रेप्लीकेशन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ठीक है मेरे से पूछा था एच पी में कॉम्पोनेंट्स क्या एक्टिव डायरेक्टर के इंटरव्यू के लिए गया था मैं तो मैं बोला रेप्लिकेशन एक यही सारी चीज़ें बोल डाली मैं तो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया बोला हाउ यू कैन से दैट रेप्लीकेशन इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्ट्री तो बताया है उसको मैं कि बगैर एक्टिव डायरेक्टरी के हम रप्लीकेशन नहीं कर सकते अगर आपको कॉन्फिगर करना है तो एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फिगर करनी ही पड़ेगी तब जाके हमको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन का स्टिल वो मेरे से कन्विंस नहीं हो रही थी कि नहीं लड़की इंटरव्यू ले रही थी बट uh, हम ये कॉम्पोनेंट है उसने मेरे को बोला कि एप्लीकेशन इज़ अ प्रोसेस तो आई एग्री कि ये प्रोसेस है बट बगैर एक्टिव डायरेक्टरी के आप एप्लीकेशन कॉन्फिगर भी तो नहीं कर सकते बट अगर एंड अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फिगर कर रहे हैं और एप्लीकेशन मिल रहा है तो ये उसको हमको एक कॉम्पोनेट है ये पता होना है उसको शायद पता नहीं क्या होता है उसका सबका अपना अपना नॉलेज होता है तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से रुका हुआ था कि एप्लीकेशन इज अ प्रोसेस बट स्टिल इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी तो वो देखेंगे हम रेप्लीकेशन का मतलब क्या होता है मैं पहले ही कहते आ रहा हूँ कि जो कॉन्फ़िगरेशन है स्कीमा है वो सारा हमारा रेप्लीकेट होना चाहिए तो नाम तो ही पता चल रहा है जो सपोज मेरे पास ये डी सी वन है डी सी थ्री है डी सी टू है यहाँ मेरा कुछ चेंज हुआ वो इमिडिटली यहाँ पर रेप्लीकेट होना चाहिए यहाँ पर शेयर होना चाहिए क्योंकि इंफॉमेसन सेंसिटिव है क्या पता यहाँ है यहाँ पर जो इन्फॉमेसन हमने चेंजेस किए वो बिज़नेस के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो तो वो इमिडियटली यहाँ पे जाना चाहिए यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए सारे यूजर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे काम किया वो इन्फॉर्मेशन ये मेरा डेली के यूजर्स को रिक्वायर्ड है तो इमीडिएटली उसको पता चलना चाहिए यहाँ पर तो इसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं तो बेसिकली यहाँ पर मल्टी मास्टर एप्लीकेशन होता है इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स इंड द डेटाबेस होते हैं ठीक है कंटेंट ऑफ सिसवॉल आर रेप्लीकेटेड ठीक है तो इसको डिटेल में देखते हैं हम यहाँ पे रेप्लीकेशन सर्विसज डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टरी डेटा एक नेटवर्क वही है सपोज ये मेरा नेटवर्क है तो अक्रॉस नेटवर्क ये रेप्लीकेट करेगा डायरेक्टरी दिस इंक्लूड्स बोथ डेटा स्टोर एज वेल एज डेटा रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड कॉन्फ्रिगेशन इंक्लूडिंग लॉग एन स्क्रिप्ट जो भी सारा चीज़ें हैं वो सारा का सारा यहाँ पे क्या होगा रेप्लीकेट होगा सच एज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी एंड ऑल तो ये होना चाहिए और ये मस्ट है एक्टिव डायरेक्टरी यूजेस मल्टी मास्टर एप्लीकेशन टू सिंक्रोनाइज एक्टिव डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन तो जो रेप्लीकेशन है इसके लिए क्या होता है मल्टी मल्टी मास्टर एप्लीकेशन यूज़ करती है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी अब हम साइट्स की बात करेंगे साइट्स क्या होती है बहुत ही सिंपल है साइट्स के बारे में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है और या तो फिर आंसर भी नहीं आता है तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए वेल कनेक्टेड पोर्शन ऑफ योर नेटवर्क तो ये सारा यहाँ पे हम देखेंगे नहीं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ uh, समझ में ना आए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस डायग्राम को देख के देखते हैं हमारे पास एक साइट है यहाँ पे साइट ए और ये साइट बी ठीक है ये जो ग्रीन सिग्नल है इन इन दोनों के बीच में और ये वाला तो इनको क्या है कनेक्टिविटी uh, प्रोवाइड करने के लिए लिंक है इनके बीच में तो हम देखेंगे यहाँ पे साइट uh, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या हम कैसे डिफाइन करते हैं ठीक है व्हेन यू कंसिडर द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्राइजेस इंटरप्राइज तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्राइज है कह सकते हैं साइड वन साइड टू ठीक है side one, side अब हम यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यू विल सर्टनली डिस्कस द नेटवर्क साइट्स तो अगर हम नेटवर्क साइट की बात ऑब्वियसली करेंगे साइट्स एंड एक्टिव डायरेक्टरी हाउ एवर अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग बिकॉज देर इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लास कॉल्ड साइट तो एक्टिव डायरेक्टरी में क्या है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हम ना कहते हुए भी ना बात करते हुए भी हमारे पास एक क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास उसको साइट्स बोल साइट बोलते हैं ठीक है ठीके? तो अब हम इसको देखते हैं और डिटेल में अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं या नेटवर्क टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं एंटरप्राइज लेवल पे कनेक्शन के लिए तो डेफिनेटली वहाँ पे साइट भी आएगा मगर इस कॉन्सेप्ट के हम कुछ वहाँ पे कह नहीं सकते और बात नहीं कर सकते कि साइट जैसा कुछ नहीं है तो वो क्या है यहाँ पे देखेंगे आप एन एक्टिव डायरेक्टरी साइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ द एंटरप्राइज विद इन विच नेटवर्क कनेक्टिविटी इज गुड तो ये हमको रिप्रेजेंट्स करती है पोर्शन ऑफ द एंटरप्राइज विद इन विच नेटवर्क कनेक्टिविटी इज गुड एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है इसको कह सकते हैं हम दैट रिप्रेजेंट अ पोर्सन ऑफ द एंटरप्राइज ठीक है जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी है बाउंड्री ऑफ रेप्लीकेशन एंड सर्विस यूटिलाइजेशन साइट क्या करती है बाउंड्री भी क्रिएट करती है रेप्लीकेशन uh, के लिए और सर्विस यूटिलाइजेशन के लिए यू कैन ऑल्सो ट्रीट अ साइट एज अ लॉजिकल इन इंटरप्रप्रटेशन ऑफ द फिजिकल नेटवर्क तो इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम साइट की बात करें तो आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल नेटवर्क कह सकते हैं इसको हम ठीक है ये हमको मालूम होना चाहिए सिंपल सा आप कह सकते हैं व्हाट इज साइट साइट इज अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिजिकल नेटवर्क अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इसका इंपॉर्टेंस क्या है डोमेन कंट्रोलर्स विद विद इन इन अ साइट रेप्लिकेट चेंजेस विद इन सेकंड्स कहने का मतलब ये yes, सपोज इसको ही हमने डी सी टू ले लिया डी सी वन ये ले लिया तो ऐसा कहने यहाँ पर एप्लीकेशन और रेप्लीकेशन होता है और चीज़ें एक दूसरे से रेप्लिकेट होती हैं चेंजेस आर रेप्लीकेटेड बिटवीन साइट ऑन द कंट्रोल कंट्रोल बेसिस विदमसन दैट साइट्स कनेक्शंस आर स्लो कहने का मतलब है चेंजेस तो हो रहे हैं उस पर लेकिन इसको हम क्या है बड़ी कंट्रोल तरीके से इसको हम मैनेज करते हैं अज, अजम अजम सन करते हैं कि अगर हम कुछ कनेक्शन लेंगे सपोज हमने आ, 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 हमको कनेक्शन लेना है तो हम क्या करते हैं या कॉस बचाना है तो क्या कुछ भी बोल देते हैं कि अगर हम हमको कनेक्टिविटिकली एक एम पी एल एस कनेक्शन चाहिए एम पी एल एस कनेक्शन चाहिए तो हमको पैसे चाहिए होंगे ठीक है याद अच्छा नहीं चलता है उस तरीके से हम अवॉइड कर देते हैं या अनरीचेबल समथिंग समथिंग करके बाई डिफाइनिंग साइट्स यू यू आर टेलिंग एक्टिव डायरेक्टरी बट अगर हम साइट्स को डिफाइन करते हैं वहाँ पर तो उससे फ़ायदा क्या होगा बाई डिफाइनिंग साइट्स यू आर टेलिंग एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी दैट यू हैव डोमन कंट्रोल ऑन वेरियस फिजिकल लोकेशन ठीक है सपोज ये एक ही मेरी एक्टिव डायरेक्ट्री है एक एक्टिव डायरेक्ट्री यहाँ पर भी है अब मुझे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे एम पी एल एस कनेक्शन लेना पड़ेगा इसीलिए क्या होगा कॉस्ट बढ़ेगी बट अगर हम इन सबको जोड़ के कनेक्शन ले भी लेते हैं तो अब इसके बीच में रेप्लिकेशन कराना है तो मुझे क्या है इस एक्टिव डायरेक्टरी को उस साइट के थ्रू मैं बताऊंगा कि मेरा एक डीसी सी यहाँ पर भी है आपको यहाँ रेप्लिकेट करना है यहाँ वाली साइट को बताऊंगा कि मेरा एक डीसी सी पे भी है तो इससे क्या होगा मेरा रेप्लीकेशन फास्ट होगा एंड दैट रेप्लीकेशन बिटवीन दिस लोकेशन इज़ परफॉर्म्ड ओवर स्लोअर लिंक तो वो, वो, अगर हमारा लिंक स्लो है भी है या कुछ भी है तो उस वक्त भी हमारा रेप्लिकेशन हो जाएगा तो इस तरीके से हम साइट को डिफाइन करते हैं यह साइट का रोल होता है हमारे इंटरप्राइज लेवल पे अब देखेंगे हम ग्लोबल कैटलॉग ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है ठीक है तो बेसिक चीज़ है इसको हम पैस भी बोलते हैं पी एस ठीक है और कंटेंस एवरी ऑब्जेक्ट इन द इन एवरी डोमेन इन द फॉरेस्ट ठीक है मैंने बताया था कि पिछले स्लाइड में अगर हमारे पास फॉरेस्ट है तो एक ही वहाँ पे आ, हमारे पास स्कीमा रहेगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कंटेंट्स ओनली सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स ठीक है स्कीमा अ टाइप ऑफ इंडेक्स कैन बी सर्च फॉर एनी डोमेन ठीक है इस इमेज पे अगर डोमेन ए है डोमेन बी है तो हम इसको अगर एप्लीकेशन हो रहा है तो किसी भी डोमेन से सर्च कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी इसको हम डिटेल में देखेंगे आप यहाँ पे देखिए डोमेन ए ये है डोमेन बी है दो डोमेन कैटलॉग इज दोमेन सर्वर सर्विस तो वही है कि ये सेल ऑब्जेक्ट है फॉरेस्ट के अंदर कैटलॉग सर्वर इज कंट्रोलर दैट स्टोर फुल कॉपी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इसके पास फुल कॉपी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट रहेगी इन द डायरेक्टरी फॉर इट्स होस्ट डोमेन एंड अ एंडियल एक इसके पास फुल कॉपी रहेगी कॉपी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्टरी फॉर इट्स होस्ट डोमेन एंड पार्शियल रीड ओनली कॉपी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट फॉर ऑल अदर डोमेन इन द फॉरेस्ट अगर इसका खुद का ओन होस्टेड के लिए रीड ओन आई मीन फुल कॉपी रहेगी और अगर आप इसके अपार्ट फ्रॉम अदर हैं तो उसके उसका रीड ओनली कॉपी इसके पास रहेगी बिच इज ऑल्सो नोन एज पैस कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्ट्री इट इज अ टाइप ऑफ इंडेक्स दट कैन भी यूज टू लोकेट ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्ट्री वही चीज़ मैंने यहाँ पे अभी बोला था कि एक तरीके का इंडेक्स है और कैन बी यूज टू सच फ्राम एनी डोमेन अब यहाँ पे देखिए द पार्शियल रीड ओनली कॉपीक्ट दट अपल कैटेलॉग आर डिस्क्राइब्यूट आर रिक्वाड बाई रिक्वाड बाई दीमा इन एडिशन टू दीब्यूट दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज इन यूजर्स ऑपरेशन तो बेसिक uh, चीज यहाँ पे यही है इसके बारे में इसको पार्शियल क्यों बोलते हैं रीड ओनली कॉपीज को भी कंटेन करता है नेक्स्ट हम ओव करेंगे अभी फंक्शनल लेवल क्या होता है फंक्शनल लेवल यहाँ पे दो तरीके का चीज़ है एक है डोमेन फंक्शनल लेवल होता है और एक फ़ॉरेस्ट फंक्शनल लेवल होता है तो हमको पता होना चाहिए दोनों के बारे में इससे क्या फ़ायदा होता है और क्या क्यों यूज़ करते हैं ठीक है आ, तो न्यू फंक्शनैलिटी इज रिक्वायर दैट डोमेन कंट्रोलर आर रनिंग पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द विंडोज तो ये तो यहाँ पे शायद कुछ समझ में ना आए आपको तो हम इसको देखेंगे Uh, यहाँ पर डिटेल में द फंक्शनैलिटी अवेलेबल इन एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन और फॉर डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शनल लेवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फंक्शनल लेवल क्या होता है फंक्शनल लेवल हमारे एक्टिव डायरेक्टिव फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए या उनको फीचर मोर फीचर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है होता है और जो भी हमको फंक्शनलिटीज अवेलेबल है वो हमको फंक्शनल लेवल प्रोवाइड करते हैं

That version of Windows or Active Directory becomes available to Active Directory Domain Service. For example, uh, when the domain functional level is raised to Server 2008, a new attribute attribute becomes available that reveals the last time user successfully logged on onto computer, the computer to which the user last logged on, and the computer uh, the number of failed. Uh, लॉग लॉगऑन अटैम्प्ट सिंस द लास्ट लॉग ऑन तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है अगर हम विंडोज सर्वर 2008 में इसका डोमेन फंक्शनल लेवल को बढ़ाते हैं डोमेन फंक्शनल लेवल यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है तो हमको क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे एक नया एट्रीब्यूट्स आ जाएगा उसमें जो हमको प्रोवाइड करेगा क्या क्या फ़ीचर्स हमको उससे पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम सक्सेसफुल कौन यूज़र लॉग इन किया था लास्ट लॉग ऑन कब हुआ था ठीक है किस यूजर ने लॉग लॉगऑन किया है किस कंप्यूटर को किया है एंड कितने उसने फेल्ड अटैम्प्ट किए हैं लॉग इन करने के लिए तो ये इस ये हमको क्या है इसका फंक्शनल लेवल हम इंक्रीज़ कर रहे हैं जब हमको ये फंक्शनैलिटी मिल रही है फीचर मिल रही है वैसे ही अब हम देखें यहाँ पे इफ़ यू रेज द फंक्शनल इफ़ यू रेज द फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल ऑफ विंडोज सर्वर टू थाउजेंड एट आर टू यू विल गेट द एक्टिव डायरेक्टिंग रिसाइकल फीचर अगर हम सर्वर टू थाउजेंड एट आर टू का फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल रेज करें तो हमको रिसाइकल बिन मिलेगा अब इसका यूज़ क्या होता है विच प्रोवाइड द एबिलिटी टू रिस्टोर द दिलेटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इसका फंक्शनल लेवल इंक्रीज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा या रेस करेंगे तो क्या मिलेगा तो अगर हम फॉरेस्ट लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मिल रही है डोमेन लेवल पर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो ये बेसिक बेसिक बात है फंक्शनल uh, लेवल के बारे में जो हमको पता होना चाहिए नेक्स्ट है फंक्शनल लेवल को ही हम कंटेंट करेंगे कंटिन्यू करेंगे अभी हमने आप यहाँ क्या देखा है फंक्शनल लेवल्स फंक्शनल लेवल्स यहाँ पे शायद मैं कुछ मिस कर दिया है ये डीएनएस का है फंक्शनल लेवल का नहीं है ठीक है तो इसको मैं ये डीएनएस

Complete reliance on DNS to uh, locate computer and services in the domain. तो role important role. important detail Active Directory वही चीज यहाँ पर भी लिखी है first there is one to one relationship वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला है ठीक है अब तीसरी चीज देखते हैं थर्ड इट इज वेरी कॉमन टू कॉन्फिगर डोमेन कंट्रोलर टू ऑल्सो सर्व एज डी एन वही मैं कह रहा था कि अगर आप डी एन एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो डी आपको एज डी एन भी उसको इंस्टॉल uh, कर सकते हैं कॉन्फिगर कर सकते हैं और डी एन रिक्वायर्ड है व्हेन यू डू दिस यू हैव द ऑप्शन टू स्टोर डी डेटा कॉल जोन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो डी का डेटा है जिसको हम जोन बोलते हैं वो भी इसमें एक्टिव डायरेक्ट्री में ही स्टोर हो जाएगा अब दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पे द एक्टिव डायरेक्ट्री डेटा स्टोर कैन ऑल्सो भी यूज टू सपोर्ट एप्लीकेशन एंड सर्विसेज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिव डायरेक्ट्री डोमेन सर्विसेज तो इसमें जो डेटा एक्टिव डायरेक्ट्री के अंदर जो डेटा स्टोर रहेगा हम उसको बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से विद इन द डेटा बेस एप्लीकेशन पार्टिसंस कैन भी स्टोर डेटा टू सपोर्ट एप्लीकेशन दैट रिक्वायड रेप्लीकेटेड डेटा तो ये नई सारी चीज़ें हैं अगर हम डी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होगी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें नेक्स्ट uh, देखेंगे हम यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप तो ट्रस्ट रिलेशनशिप से ही पता चल रहा है ट्रस्ट क्या है और रिलेशनशिप क्या होता है ठीक है तो बेसिक चीज़ इसके बारे में है एक्सटेंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट आइडेंटिटी इज टू अनदर डोमेन बेसिक चीज़ कहने का है किसी दूसरे डोमेन की आइडेंटिटी को स्टोर करने का एक कॉन्सेप्ट है ट्रस्टिंग डोमेन जस्ट द आइडेंटिटी स्टोर एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस ऑफ द ट्रस्टेड डोमेन तो यहाँ पे देखेंगे एक ये ट्रस्टेड डोमेन दिख रहा है आपको और एक ये ट्रस्टिंग डोमेन दिख रहा है ठीक है ये ट्रस्ट करता है इस यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है उसको अ यूजर कैन ऑथेंटिकेट टू and be given access to resources in the testing domain. The testing domain. अगर हमारे पास ये testing domain है यहाँ पर कुछ resources हैं ये user हमने इसको authenticate हो गया है तो ये यह, यहाँ के resources को access कर सकता है Within a forest, each domain trusts all other domains. अगर ये forest जैसा है तो ये सारे domain को trust करेगा Trust relationships can be established with external domain. तो मतलब suppose ये domain मेरा बी डॉट कॉम ये ए डॉट काम है और ये बी डॉट कॉम तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए और उन उन दोनों के बीच में ट्रस्ट की ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हम ट्रस्ट रिलेशनशिप में कॉन्फिगर करते हैं वो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे अब वेन अ कंप्यूटर ज्वाइन अ डोमेन द एल एस ए ऑफ द सिस्टम बिगनस टू ट्रस्ट द आइडेंटिटी स्टोर एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाई द डोमेन तो कहने का मतलब क्या है अगर हम कोई कंप्यूटर को ज्वाइन करते हैं डोमेन पे तो उसमें क्या होता है द एल एस एफ द सिस्टम टू बिगन द आइडेंटिटी स्टोर एंड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डोमेन तो इसमें जो हमारे पास ये रहेगा एस एल एल एस ए उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी दट अलाउ अ यूजर अकाउंट स्टोर्ड इन द डोमेन टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंप्यूटर तो ये सिंपल सा चीज़ यही है सपोज ये मेरा डोमेन है यहाँ पे कोई यूज़र है तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी this also provides the user account access to resources on the computers computers joined to the domain तो so, वही है अगर यहाँ पे ये यूजर है इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी और ये इस सिस्टम पे लॉगिन करेगा इस यूजर के अकाउंट से तो ये यह, यहां के रिसोर्सेज को ये एक्सेस कर पाएगा joining computers to a domain is the simplest way of establishing a trust relationship ठीक है तो सपोज अगर हमारे पास एक सिंपल डोमेन भी है तो वो भी एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है जब तक ट्रस्ट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा डोमेन और कंप्यूटर के बीच में उसमें लॉग इन नहीं कर सकते हैं एरर आता है दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टैब्लिश समथिंग करके द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर डोमेन अभी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है एक डोमेन ये एक डोमेन वो ये दोनों के बीच में हमको एक रिलेशनशिप कराना है वही लिखा है अ डोमेन कैन ऑथेंटिकेट यूजर्स फ्रॉम अदर डोमेन कुछ हमारा फॉरेस्ट है और भी एडीज है तो एक दूसरे को टेस्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल का यूआरएल आर एल यहाँ पर है आप देखें नीचे एस टी टी पी एस या फिर आप यूट्यूब पर तभी लिखें यूट्यूब डॉट कॉम सी स्लैस सी सी एन एन एम सी आई टी पी आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर सी सी एन एर एम सी आई टी पी दोनों की वीडियोज़ हैं और Keep watching and try to learn, and please share this video so that the, uh, more people can reach and they can also learn from here. And I hope this video is informative for Thanks for watching for this video.